तो भाई मैं बहुत देर से यहाँ पे बैठा हूँ, बस देख रहा हूँ, मंदिर को देख रहा हूँ, लोगों को देख रहा हूँ। कुछ रहा नहीं, मैंने दर्शन कर लिए, ऊपर भैरवनाथ के भी दर्शन कर लिए, इधर गुरु आदि शंकराचार्य के भी दर्शन कर लिए, पीछे भीमशिला है उसका भी दर्शन कर लिए। तो मौसम ख़राब हो रहा है यार, और नीचे भी जाना है, कल शाम को आया हुआ हूँ मैं। तो खर्चे की मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे खर्चा कितना आया है मेरा अभी तक, मैं आने आने का कितना खर्चा आया है, और मैं घर से कब चला था, कितना मेरे को टाइम ट्रैक करने में लगा है मैं बता देता हूँ आपको। तो भाई घर से मैं निकला था 7 तारीख में निकला था, आज है 9 जुलाई, और शाम को 7 तारीख में ही मैं पहुँच गया था लगभग 4:30 बजे के आसपास सोन प्रयाग में। फिर वहाँ पे मैंने स्टे किया नाइट में। रूम का बताऊँ तो मैं वहाँ पे मुझे 500 रुपये में सिंगल बेड मिल गया था, सेपरेट रूम 500 रुपये में। तो क्राउड कम है इसलिए इतना रेंट नहीं है अभी के टाइम, 2 महीने पहले या 10 दिन पहले बहुत महंगा था यहाँ पे। और उसके बाद फिर मैंने नेक्स्ट डे स्टार्ट किया था सुबह 8 बजे से, सोन प्रयाग से मैं निकला गाड़ी से जो ड्रॉप करते हैं 5 किलोमीटर आगे गौरीकुंड में, तो वहाँ से फिर मैंने स्टार्ट किया ट्रैक। मैंने किया था लगभग 8 बजे के आसपास ट्रैक स्टार्ट किया था। बीच में अगर खाने की बात करूँ तो आपको मैगी मिलने वाली है 60 रुपये की, 50 और 60 रुपये की, दोनों में से कोई 50 की देता है, कोई 60 की देता है। और उसके बाद अगर आप खाना लोगे तो वो अलग अलग रेट है, जैसे कोई दाल लोगे तो वो लगभग 100 रुपये के आसपास है, फिर रोटी लगभग 10 या 15 रुपये की अलग से है एक। तो खाने में तो यहाँ बहुत महंगाई है। उसके बाद फिर मैंने जैसा ही मैं आया यहाँ पे, तो भीड़ तो थी नहीं, तो मैंने गया सीधा, मैंने दर्शन किए, दर्शन करने के बाद मैं सीधा फिर निकल गया रूम की तलाश में। तो मुझे रूम मिला, रूम मैं अकेला बंदा था तो इसलिए मेरे को सिंगल बेड तो मिला नहीं, मेरे को सेपरेट तो खैर मिलने नहीं वाला था क्योंकि अकेला बंदा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे 3 बेड का एक रूम होता है और 4 बेड का एक रूम होता है। फिर अगर आपको रुकना है तो इन्होंने कॉटेज बनाए हुए हैं, मतलब 8, 9, 10 बेड डले हुए हैं उसमें, तो वहाँ पे आप ठहर सकते हैं। हालांकि वही भीड़ नहीं है तो इसलिए वहाँ पे मैं अकेला ही ठहरा था, इतना कोई बंदा ना था। फिर लगभग 11 बजे 12 बजे के आसपास वहाँ पे लोग आए थे, 2-3 लोग, तो आराम से ठहरने, कोई टेंशन नहीं, मेरा सामान जुगा दूंगा, सामान उठने की कोई दिक्कत नहीं है। और अभी भी जैसे मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, अभी बनाई भी है मैंने, बैग मेरे पास 2 हैं, मैंने कहीं भी डाल देता बैग, और शूज़ भी कहीं पर रख देता था, और इधर घूम घूम गया था 1.5 घंटे के, मैं आऊँगा तो मुझे वापस वहीं पर मिलते हैं बैग। तो चोरी वोरी का तो ऐसा सिस्टम है नहीं, हाँ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट वगैरह उसका हो सकता है, क्योंकि बैग वैग तो आजकल कोई इतना छेड़ता है। तो उसके बाद फिर मैं आज सुबह मैं आया वहाँ से, तो सबसे पहले फिर मैंने इधर थोड़ा मंदिर को कवर किया। मंदिर को कवर करने के बाद तो फिर मैं और जगह गया। तो ओवरऑल अगर मैं खर्चा मानूँ तो यहाँ पे मैंने, हाँ यहाँ पे भी जो मैंने रेंट रुकने का दिया वो ओनली 300 रुपये, बस मैंने 300 रुपये दिए हैं नाइट स्टे के। और अगर आप सेपरेट रूम रूम लोगे तो फिर, तो 3 लोग हैं तो आराम से आपका खर्चा कम होगा, अगर अकेला बंदा है तो 1500 रुपये अभी का चल रहा है प्राइस। तो ज़्यादा खर्चा नहीं है यार, 4-5 हज़ार रुपये एक बंदे में आराम से हो जाएगा, और ट्रैक भी आराम से यार 8-8.5 घंटे में आप कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। बाबा का नाम लेके आप निकलो, आराम से कर सकते हैं ट्रैक। हाँ मौसम थोड़ा ख़राब रहता है, अभी सुबह से कभी पीछे जो बर्फीले पहाड़ थे दिखाई दे रहे थे, बट अब ये धुंध नहीं है बेसिकली, जो आ रखा है वाइट वाइट आपको दिखाई दे रहा है ये बादल हैं, बादल ऊपर से नीचे आ गए, तो मौसम का कुछ भरोसा नहीं है। रात बारिश भी हुई, बहुत दबा के बारिश हुई, अभी भी बहुत कम, हल्की हल्की पड़ रही है। तो ऑलमोस्ट मुझे यहाँ हो गए यार 12-15 घंटे हो गए, तो अब मैं नीचे निकलने की तैयारी कर रहा हूँ, और ऊपर मैं गया नहीं वही मौसम को करके, क्योंकि एक जगह और है उसको बोरीकुंड बोलते हैं, तो उसका भी लगभग 8 किलोमीटर का ट्रैक है यहाँ से, तो वहाँ तो मैं जाने नहीं वाला क्योंकि मेरी हालत ख़राब हो गई भाई। और दूसरा चलो मैं एक एक दिन और लगा लूँ यहाँ पे, लेकिन फिर मौसम का कुछ पता नहीं, क्योंकि यहाँ तो स्टे है, वहाँ का ऐसा कुछ स्टे वगैरह है नहीं, अगर बारिश आप पड़ने लगी तो भीग जाओगे पूरा।
और कल ही मैं बिक गया था तो तबीयत ख़राब हो गई थी मेरी, इसलिए मैंने शाम को जो ब्लॉग शूट किया था शाम को एंडिंग नहीं की उसकी, क्योंकि आते ही मैं पड़ गया और फिर मैंने दवाई ली। दवाई लेके मैं 3 दिन 4-4 रजाई लेके मैं सोया हूँ लगभग। फिर दवाई ली मैंने लगभग जाके 11 बजे के आसपास मेरे को थोड़ा आराम मिला। तो ये सब था भाई, और आराम से आओ आप केदारनाथ, आओ कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, बस रेनकोट वगैरह लेके आना अपना, और ट्रैक करते टाइम जितना कम सामान लोगे उतना सही है आपके लिए, उतना ज़्यादा चल पाओगे, और धीरे धीरे चलो यार कोई दिक्कत नहीं, 8-9 घंटे में आपका आराम से ट्रैक कर लोगे आप, मतलब दिन दिन में पूरा ट्रैक कर लोगे आप। तो भाई 2-3 घंटे वेट करने के बाद और मैं निकल लिया हूँ अब नीचे के लिए, बारिश तो रुकने नहीं वाली है, फिर मैंने ले लिया छाता और इसके साथ में मैं निकलूँगा। बारिश हल्की हल्की हो रही है बट ख़त्म नहीं हो रही है, बंद नहीं हो रही है। तो पूछा भी मैंने लोकल से यार, तो बोल रहे हैं कि भाई कुछ पता नहीं, बंद हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, तो बहुत लोग जा रहे हैं ऐसे ही। तो फिर मैंने भी ये छाता मेरे को 300 रुपये में दिया भाई, और बस अब निकल रहे हैं हम लोग नीचे की साइड। तो भाई जब मैंने ट्रैक स्टार्ट किया था टाइम हो रहा था 3:30 के आसपास, और अभी 10 किलोमीटर बाकी है कोरीकुंड। तो वैसे भी यार उतरते टाइम तो आपको कम ही आधा टाइम लगने वाला है, जितना अगर 8 घंटे आपको लग रहे हैं तो कम से कम 4 या 6 घंटे के आसपास आपको नीचे उतरने में लगेंगे। तो ऑलमोस्ट मेरे को आइडिया है लगभग 3 घंटे के आसपास मैं नीचे कोरीकुंड तक पहुँच जाऊँगा। और भाई ये नज़ारे, बादलों के आगोश में है भाई, अभी बादल ही बादल हो रखे हैं। तो भाई फाइनली गौरीकुंड पहुंच चुके हैं, 1 किलोमीटर आया गौरीकुंड, और कसम से 3:30 बजे का निकला हूँ आपको पता ही है, और 6 बजने वाले हैं तो लगभग 3 घंटे में पहुँच जाऊँगा मैं। कसम से बैठा नहीं हूँ भाई साहब बिल्कुल भी, बैठा नहीं, बस खाली जो मैंने वीडियो रिकॉर्ड की है वो की है और फोटोज़ लिए हैं, बस बैठा नहीं भाई बिल्कुल भी। वो इसीलिए उसका एक कारण है, एक तो बारिश आ रही कंटिन्यू, रुकी नहीं है बिल्कुल भी बारिश, मतलब धीरे धीरे पड़ रही है। तो कहीं मन में ये भी था यार बारिश अगर तो रुक गया तो फिर बारिश तेज आ जाएगी, रूम नहीं मिलेगा सोन प्रयाग में, और एक कारण ये भी था गर्मी नहीं लगी बिल्कुल भी, बारिश आ रही है गर्मी नहीं लगी बिल्कुल भी, इसलिए चलता गया मैं। बस और 1 किलोमीटर आ रहा है, उसके बाद रूम पे जाके आपको अपडेट करूँगा। भाई अभी लगभग 500 मीटर रहा है और ये मेरे को मिली है एक लैंडस्लाइड, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यार दूसरी लैंडस्लाइड है जो मेरे को मिली है ट्रैक पे, तो अगर आप आ रहे हो तो थोड़ा सा देख के चलना ठीक है। क्या है धीरे धीरे पत्थर गिरने स्टार्ट हो जाते हैं छोटे छोटे, तो आप समझ लेना लैंडस्लाइड होने वाली है, तो आराम से रुक जाना वहीं पे ठीक है। और थक गया यार मैं, बहुत थक गया, बहुत ज़्यादा थक गया। तो अब क्या करूँगा, वैसे तो जिसके पास मैं रुका था उस सामान में उसके पास ही रख गया हूँ, और प्यास भी बहुत लग रही है यार, तो उससे बात करूँगा, और आज का स्टे सोन प्रयाग में रहेगा, कोशिश करता हूँ सेम रूम में, वरना फिर दूसरा सर्च करेंगे कोई, और कल सुबह निकलेंगे यहाँ से ठीक है। वही है गौरीकुंड की मार्केट, गौरीकुंड की छोटी सी मार्केट, इधर से ही होके निकलते हैं ट्रैक के लिए, तो इधर से लौट रहे हैं हम लोग। ऑलमोस्ट 7 हो चुके हैं भाई, और गाड़ी हमारी ये खड़ी है, तो अब हम निकलते हैं सोन प्रयाग के लिए, और बस और क्या यार वहीं पे जाके करते हैं, बिल्कुल भी बोलने की हिम्मत नहीं है यार बिल्कुल भी, बहुत थक गया। तो भाई खाना वाना खा लिया है और अब आ गए हैं रूम में, पैंट ये टंग रही है, शर्ट ये टंग रही है, और अब पुनः इसमें भाई सब भीगा हुआ था, सर्दी लग रही है, और यह है एक रजाई और लेनी पड़ सकती है जहाँ तक मेरे को आइडिया है, और जूते भी गीले हो चुके हैं वो पड़े हैं यहाँ। तो
अभी क्या करते हैं, नीचे चलते हैं, अपना बैग वैग लेके आते हैं जो हमने रखा हुआ था अंकल के पास, वो नहीं मूवी में लेके आया। ये दो बैग लेके गया था मैं जो ट्रैक कर रहा था, ये है और अपना। और भाई फिर सोते हैं, बिल्कुल सुबह उठेंगे फिर ब्लॉग बनाएंगे, कल शाम को हम घर तक पहुँचेंगे और परसों से ब्लॉग आने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं, गुड नाइट, बाय बाय।